नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आपका स्वागत है और अब खबरों को देते हैं विस्तार। महापौर विवेक नारायण सेजवलकर द्वारा चलाए जा रहे जनसंपर्क कार्यक्रम आज की चाय आपके साथ के तहत रविवार को महापौर और उनकी टीम द्वारा वार्ड 13 में भ्रमण किया गया, जहां उन्होंने स्थानीय रहवासियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानी और समस्या के तत्काल निराकरण के आदेश भी संबंधित अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष कृष्णराव दीक्षित, एमआईसी सदस्य धर्मेंद्र राणा, क्षेत्रीय पार्षद सहित नगर निगम के सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। इस वार्ड में मुख्य रूप से कोई सीवर की कोई समस्या नहीं है, पानी की समस्या तो नहीं है, पर जो नए अमृत योजना के अंतर्गत जो डीएमए सिस्टम में हमने काम करना प्रारंभ कर दिया है, वार्ड नंबर 12 में 2 डीएमए बनने वाले हैं, दोनों ही सर्किटों में पानी रक्कस टैंक से आएगा। उसकी लाइन 4 सड़क के नाके तक बिछी हुई पहले से ही 30 इंची, उसके बाद से दोनों डीएमए में अलग अलग से इंडिपेंडेंट पानी देने के लिए लाइनें डलने वाली हैं। और मेरा मानना है जब ये दोनों डीएमए चालू हो जाएंगे तो इसमें पूरे वार्ड नंबर 12 में पहले मंजिल तक पानी जाएगा, ऐसा हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है। और मुझे उम्मीद है कि अगर मई तक ये चालू हो जाता है तो समस्या पूरी तरह हल हो जाएगी। यहाँ पर आरी भी हैं, सब इंजीनियर्स भी हैं, इन्होंने हमें बताया कि मई में ये दोनों डीएमए चालू हो जाएंगे रक्कस टैंक से, और तब इस क्षेत्र में पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। बाकी कचरा प्रबंधन का भी मैंने यहाँ पर उसका भी निरीक्षण किया है, मैंने यहाँ पर बताया है कि एक एक कचरे की गाड़ी का रूट बनाए, टाइम वहाँ पर लिखें, और 12 नंबर वार्ड में किसी भी घर का कचरा सड़क पे नहीं आना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी डोर टू डोर कलेक्शन वालों के ऊपर इसलिए भी है कि गाड़ी समय से पहुँचे, और अगर इसके बाद भी कोई रहवासी सड़क के पर कचरा डालते हैं तो कार्रवाई में बुरे उनके खिलाफ करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर के प्रयास ये है कि कचरा प्रबंधन की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था और अमृत के माध्यम से पीने के पानी की पहले मंजिल तक पहुँचे, इस व्यवस्था का प्रयास हम कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि मई तक काफ़ी कुछ काम हम इसमें कर लेंगे। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की जयंती पर कांग्रेस नेताओं द्वारा रविवार को उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर प्रभात फेरी निकाली गई, साथ ही छतरी परिसर स्थित सिंधिया जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। माधवराव सिंधिया की जयंती के अवसर पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा सुबह माधवराव सिंधिया कांग्रेस भवन से प्रभात फेरी निकाली गई, जो नदी गेट जयेंद्रगंज अचलेश्वर मंदिर होती हुई कटोरा ताल स्थित अम्मा महाराज जी की छतरी पर स्थापित माधवराव सिंधिया की प्रतिमा पर पहुंची, जहां पर सभी कांग्रेसजनों ने पुष्पांजलि अर्पित की। जैसा कि हम और आप सभी जानते हैं, आज हम हिंदुस्तान की उस महान शख्सियत के को नमन करने के लिए यहां छतरी पर एकत्रित हुए हैं। आज कैलाशवासी श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी की सभी कांग्रेसजन 74वीं जन्मदिवस में यहाँ मना रहे हैं। माधवराव सिंधिया जी का जो व्यक्तित्व है उसके लिए अगर कहा जा सकता है कि महाराज के व्यक्तित्व को अगर चित्रण करना यानी कि सूरज को रोशनी दिखाने के समान है। हर कांग्रेस का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो कांग्रेस का हो, युवक कांग्रेस का हो, महिला कांग्रेस हो, सेवा दल हो, पार्षदगण हो, सभी लोगों के दिल में उनकी जो कहना चाहिए कि जो उनके जो कृत्य थे वो आज बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आज वो हमारे साथ में साक्षात हों, और इसीलिए हर व्यक्ति उनको अपना सबसे यार दिल अजीज समझता है। जिस प्रकार से भगवान जो कृष्ण के मामले में कहा जाता था कि हर व्यक्ति कृष्ण भगवान को सबसे ज़्यादा अपना नज़दीक मानते चलता था, उसी प्रकार से ऐसे हमारे माधव महाराज साहब थे कि जिनको हर व्यक्ति अपना सबसे अजीज समझता था। उनके द्वारा जो विकास के जो कार्य किए गए, जो उनके द्वारा जो ग्वालियर चंबल संभाग का ही नहीं, ग्वालियर पूरे मध्य प्रदेश में जो विकास किए गए, चहुमुखी को भी विकास किया गया, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे आवागमन का क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो, उन्होंने ग्वालियर को उस ऊंचाइयों पर पहुँचा दिया कि आज ग्वालियर का नाम हिंदुस्तान में नहीं संपूर्ण विश्व में जोर शोर से लिया जाता है, जिससे हर कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। महाराज साहब के आज हम सब लोग मिलकर यहाँ 74वां जन्मदिवस मना रहे हैं, और हमेशा की भांति शहर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में शहर जिला कांग्रेस कार्यालय से प्रभात फेरी निकाली जाती है। सब लोग कांग्रेसजन कतारबद्ध तरीके से नदी गेट पर महाराज साहब की जो प्रतिमा है वहाँ आकर उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। तत्पश्चात पदयात्रा करते हुए यहाँ महाराज साहब की जो छतरी कटोरा ताल पर स्थित है यहाँ पर आके हम सब लोग उनको पुष्पांजलि अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि देते हैं। आज के इस अवसर पर सभी कांग्रेसजनों ने
महाराज साहब की पिछली जब पुण्यतिथि थी तो उस समय भी शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी के नेतृत्व में हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए और उस समय ये प्रण लिया था कि मध्य प्रदेश में जो महाराज साहब के जो द्वारा किए गए कार्य थे उनको अविस्मरणीय बनाने की दृष्टि से हम सब लोगों ने संकल्प लिया था कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सभी साथीगण एकजुट होकर मजबूती के साथ में काम करके कांग्रेस की विजय पताका फहराएंगे। मां की ओर से मैं महाराज साहब के चरणों में सादर नमन करता हूं, धन्यवाद। आज कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया जी की आज 74वीं जयंती है, हम सब उनको याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। आज पूरी जिला कांग्रेस ने आज यहाँ पर जयंती पर आज उनको याद किया है, उनको चरणों में पुष्पांजलि दी है। कैलाशवासी महाराज आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके सपने उनकी याद हमारे बीच हैं। वो विराट व्यक्तित्व के धनी थे, पूरा देश और प्रदेश उनको याद करता है। केंद्रीय मंत्री के रूप में जिस पद पर भी रहे उन्होंने निश्चित तौर पर देश और प्रदेश की सेवा करने का काम किया और उनके मन में हमेशा दर्द रहता था समाज के गरीब वर्ग के लिए। समाज की कतार में जो आखिरी व्यक्ति है, शोषित पीड़ित है, जिसकी आँख में आंसू है, उसके प्रति उनके मन में वेदना रहती थी, दर्द रहता था। और केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने ग्वालियर अंचल को बहुत कुछ दिया है। आज उनके जयंती के अवसर पर हम सब उनको याद करते हैं, नमन करते हैं और संकल्प लेते हैं कि उनके जो अधूरे सपने थे ग्वालियर की प्रगति के लिए, ग्वालियर के विकास के लिए, ग्वालियर के गरीब सर्वहारा वर्ग के लिए, उन सपनों की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। उनके जो अधूरे सपने थे उन सपनों को पूरा करने का काम करेंगे। उनके आशीर्वाद से हम विधायक हैं, हमारी जिम्मेदारी है। कैलाशवासी महाराज के जो अधूरे सपने थे इस ग्वालियर की प्रगति विकास के लिए, निश्चित तौर पर हम सब उस सपनों को पूरा करने का काम करेंगे। उनके चरणों में सभी कांग्रेसजन नमन करते हैं और संकल्प लेते हैं कि उनकी अधूरी लड़ाई को पूरा करने का काम कांग्रेसजन सभी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में विगत 2 रोज से महिलाओं के सम्मान में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रविवार सुबह से ही महिलाओं के सम्मान में रैली निकाली गई। बेटी है तो कल है सामाजिक संस्था की ओर से निकाली गई रैली कंपू स्थित बेटी बचाओ चौराहे से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण कर वापस बेटी बचाओ चौराहे पर पहुंची। पूर्व मेयर समीक्षा गुप्ता द्वारा रैली की अगुवाई की गई। ये रैली अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में निकाली जा रही है और इसका शुभारंभ मैस्कोर से बेटी बचाओ चौराहे से शुरू किया था। कायस्थ समाज द्वारा रविवार को ग्वालियर के दौलतगंज स्थित कायस्थ छात्रावास में युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। वैवाहिक परिचय मंच के बैनर तले हुए इस आयोजन में ग्वालियर संभाग सहित विभिन्न राज्यों से विवाह योग्य युवक युवतियां शामिल हुए और मंच पर जाकर अपना परिचय दी। ये एक अनूठी पहल हमारे कायस्थ समाज द्वारा यहाँ हुई है। आज यहाँ 33वां यु मासिक परिचय सम्मेलन का यहाँ आयोजन हुआ है और ये ग्वालियर के इतिहास में, ग्वालियर की धरा में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी समाज द्वारा हर महीने परिचय सम्मेलन करवाया जाता हो। शासकीय कर्मचारी परिसंघ कर्मचारी सम्मेलन की साधारण सभा का रविवार को आयोजन किया गया। लक्ष्मीबाई की समाधि के सामने आयोजित हुए इस अधिवेशन में नगर ग्राम रक्षा सैनिकों की समस्याओं, सैनिकों से निर्वाचन एवं जनगणना संबंधी कार्य कराए जाने और सैनिकों की सेवा मुक्ति आयु 62 वर्ष करने पर चर्चा की गई। आयोजन में संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे भी शामिल हुए और अधिवेशन को संबोधित किया। यहाँ ग्वालियर में फूलबाग मैदान पर हमारी प्रदेश सांस्कृतिक कला प्रकोष्ठ की प्रदेश इकाई का अधिवेशन किया गया। इसमें मांगों को लेकर एजेंडा तैयार किया गया है, जिसमें ये एजेंडा बनाया गया है कि इन नगर ग्राम रक्षा समिति के सैनिकों से पूरा महीने भर काम कराया जाता है, इन्हें 1 रुपया नहीं दिया जाता है और अगर इन्हें श्रम के बदले अगर श्रम का पैसा नहीं मिला तो ये जो है अपनी मांग को लेकर के विशाल जंगी प्रदर्शन भोपाल में करेंगे। आज इसी को लेकर के यहाँ पर एक जो ज्ञापन एजेंडा बनाया, उस एजेंडा को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के श्री प्रेम नारायण यादव जी को उसकी प्रति सौंपी गई है कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी तक इनकी पीड़ा को पहुँचाएँ और इनकी स्पष्ट मांग है कि जो BLO ड्यूटी, जनगणना ड्यूटी कर्मचारियों से करवाई जाती है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वो ड्यूटी हमसे करवा लो, कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती है, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा तो हमारे घर में 2 वक्त की रोटी का साधन उपलब्ध हो जाएगा। ये इनकी मांग है। अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो ये कर्मचारी भोपाल में भी जाएंगे, वहाँ जंगी प्रदर्शन करेंगे और फिर भी मांग पूरी नहीं हो तो सीधा दिल्ली कूच कर देंगे। लोकसभा चुनावों की तैयारियों के बीच विभिन्न जाति वर्ग के लोगों द्वारा चुनावों में अपनी भागीदारी को लेकर रणनीति बनाना शुरू कर दी है।
इसी सिलसिले में पाल बघेल समाज द्वारा भी रविवार को इटालियन गार्डन में बैठक आयोजित कर अगुवाई पर रणनीति पर चर्चा की गई। महेंद्र पाल की अगुवाई में इस बैठक में बताया कि पाल बघेल समाज के लोग सभी राजनीतिक दलों में अपनी सक्रिय भूमिका तो निभा रहे हैं, लेकिन उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया जा रहा है और इस सम्मान के लिए आने वाले दिनों में समाज द्वारा लोकसभा चुनावों में पाल बघेल समाज को टिकट की मांग की है। वर्तमान में पाल बघेल समाज को जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए उसके लिए हम यही चाहते हैं कि कहीं पर भी, जैसे उत्तर प्रदेश में अभी आपने देखा, दो सांसद के प्रतिनिधि बनाए गए, एक कांग्रेस से एक भारतीय जनता पार्टी से। मध्य प्रदेश के अंदर इस तरह की कोई स्थिति अभी भी नहीं है आज की डेट में, आपने देखा होगा। और आज की डेट में ही नहीं, मेरा ये कहना है कि मैं आपको बताना चाहूँगा 2007 में लेके जाना चाहूँगा। 2007 में यहीं ग्वालियर से लोकसभा चुनाव पहली बार बघेल समाज ने लड़ा था। किसी बड़ी पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, एक छोटी सी पार्टी ने टिकट दिया था और उसके अंदर समाज ने अपनी जो वजनदारी दिखाई थी, 51,000 वोट हम लोगों को उस समय पर मिले थे। जब 51,000 वोट हम लोगों को मिल सकते हैं तो ऐसी कोई बात तो नहीं है कि ये समाज जीतने या हारने की या किसी को जिताने या हराने की क्षमता नहीं रखता। कि समाज राजनीतिक दलों पर किस तरीके से आप दबाव डालेंगे कि वो आपको टिकट दें और इस लायक समझें कि आप चुनाव लड़ सकते हैं? इस बार के लिए सीधी सी बात है, कोई भी राजनीतिक दल तो आपकी तरफ तभी देखता है जब आप उसको हराने की क्षमता रखते हो, सीधी सी बात है। क्योंकि कारण मैं बता देता हूँ। अभी कुछ बहुत समय पहले तक आपने देखा होगा कि कुशवाहा समाज को कहीं वरीयता नहीं दी जाती थी। मैंने राष्ट्रीय समानता दल में काम किया, यहाँ जिला अध्यक्ष भी रहा, सुखलाल कुशवाहा जी के साथ मैंने यहाँ काम किया और उस दौर में जो काम हुआ उसका परिणाम आज आप देखते हो। उस समाज का एक बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व कांग्रेस भी उसको पूछती है, भारतीय जनता पार्टी भी उसको पूछती है। मेरा सवाल अभी भी वही है कि क्या दबाव आपका रहेगा? हमारा दबाव यही रहेगा कि हम आगे आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसके अंदर हम अपना सक्रिय भागीदारी दिखाएंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि समाज को सारे पार्टियां। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का रविवार को समापन हुआ। इस दौरान सह कार्यवाह भैयाजी जोशी ने राम मंदिर मुद्दे पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि सत्ता में बैठे हुए लोगों की मंदिर मुद्दे पर प्रतिबद्धता को लेकर कोई शंका नहीं है। 1980 से 1990 से जो आंदोलन चल रहा है, जब तक मंदिर पूरा नहीं होगा तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। हम न्यायालय में अपेक्षा करते हैं कि शीघ्रता से इसके संदर्भ में फैसला ले। केदारपुर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए भैयाजी जोशी ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के संबंध में उनका एजेंडा फिक्स है, यह राष्ट्रीय असीमितता का मुद्दा है। मंदिर उसी स्थान पर बनेगा, राम मंदिर के लिए बनी समझौता समिति उसी दिशा में आगे बढ़े तो ही हम समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि सबरीमाला देवस्थान मामले में केरल सरकार द्वारा धार्मिक परंपरा और आस्थावान लोगों पर जाति की जा रही है, बैठक में इसको लेकर प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके साथ ही वर्तमान परिस्थितियों में परिवार व्यवस्था के समक्ष खड़ी चुनौतियों पर भी चर्चा हुई है। देखिए, सरकार ने एक समिति बनाई, उसमें श्री श्री रविशंकर जी हैं, उन्होंने जाना स्वीकार किया है कि नहीं किया मुझे मालूम नहीं अभी तक, और हम कहेंगे कि वो जाएं, सबकी बातें सुने और हिंदुओं की भावनाओं को समझकर अपनी बात को आगे बढ़ाए। समिति की दिशा में जाएगी वो, तो समिति की जब कार्रवाई शुरू होगी तब पता चलेगा। मैंने पहले भी कहा कि इस प्रकार के सकारात्मक पहल का हम हमेशा स्वागत करते आए, कोशिश करने में कोई आपत्ति नहीं। अगर न्यायालय भी कहता है कि 1% गुंजाइश है तो रास्ता निकालना चाहिए, हम उसका स्वागत ही करते हैं। ग्वालियर के कब्रिस्तानों पर हो रहे अवैध अतिक्रमण के मामले को लेकर अल्पसंख्यक मुस्लिम कल्याण संगठन के बैनर तले मुस्लिम समाज के लोगों ने रविवार को धरना दिया गया। फूलबाग चौराहे पर धरने पर बैठे संगठन के लोगों का कहना है कि उन्होंने पूर्व में कलेक्टर को ज्ञापन देकर कब्रिस्तानों की जमीन को मुक्त कराने की मांग की थी, बावजूद इसके अभी भी कब्रिस्तान अतिक्रमण मुक्त नहीं हो पाए हैं। कब्रों पर अतिक्रमण के चलते समाज के लोग अपनी धार्मिक रीति रिवाज से वंचित हो रहे हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मुस्लिम कल्याण संगठन के द्वारा ग्वालियर शहर में जितने भी कब्रस्तान हैं उनका सीमांकन कराने और उनका अतिक्रमण हटवाने
के संबंध में धरना दिया जा रहा है। तीन बार कलेक्टर साहब को हम ज्ञापन दे चुके हैं जिसमें हम निवेदन कर चुके हैं कि साहब ग्वालियर शहर के कब्रस्तानों पर से अतिक्रमण हटवाया जाए, इनका सीमांकन कराया जाए, क्योंकि अतिक्रमण हो जाने के कारण कब्रस्तान में आदमियों को दफन करने के लिए जगह नहीं बची है, परंतु और कब्रस्तानों की प्लॉटिंग हो रही है, कब्रस्तानों की ज़मीनें बेची जा रही हैं, जो कि एक अपराध है। धारा 420 का इनके ऊपर केस रजिस्टर्ड किया जावे। अभी 19 फरवरी को हमने एक ज्ञापन दिया था कलेक्टर साहब को, जिसमें ये कहा था कि अगर 10 दिन के अंदर कब्रस्तानों का सीमांकन नहीं कराया गया तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मुस्लिम कल्याण संगठन 10 मार्च को फूलबाग मोती मस्जिद के पास धरने पर बैठेगा। वित्तीय अनियमितताओं को लेकर राज्य सरकार द्वारा दिए गए नोटिस के मामले में महापौर विवेक सेजवलकर को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल सकी है। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने सेजवलकर के तर्क को खारिज कर दिया कि ऐसे ही मामले में छिंदवाड़ा की महापौर कांता सदारंग को राहत दी गई थी। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सील नागू ने कहा कि छिंदवाड़ा महापौर को भेजे गए नोटिस में जिस भाषा का प्रयोग किया था उससे ये प्रतीत हो रहा था कि महापौर का पक्ष सुने बिना ही उन्हें दोषी ठहरा दिया गया था, लेकिन ग्वालियर महापौर को भेजे गए नोटिस में उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। कोर्ट के मन में कोई संदेह नहीं है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई से पहले महापौर को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। यहां बता दें कि 13 फरवरी को सरकार ने महापौर सेजवलकर को नोटिस दिया था जिसमें रेस्टोरेंट को नियम विरुद्ध तरीके से लीज पर देने, शासन से अनुमति लिए बिना 2007 के बाद के दैनिक वेतन भोगियों को स्थायी करने सहित वित्तीय अनियमितताओं के आरोप थे। प्रदेश के पंचायत मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि भूमि एवं जल संरक्षण तथा कचरा प्रबंधन के कार्यों का जिलों में भी प्रदर्शन कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मधुमक्खी पालन और मशरूम की खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए गंभीर प्रयास जरूरी हैं। यहां बता दें कि मंत्री कमलेश्वर पटेल 2 करोड़ की बाउंड्री वॉल का भूमि पूजन कर रहे थे। उन्होंने कचरा प्रबंधन, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन प्रक्षेप का लोकार्पण भी किया। उन्होंने कहा कि भूमि एवं जल प्रबंधन के क्षेत्र में वाल्मी संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इससे शासकीय अमले के साथ जनप्रतिनिधि भी जल संरक्षण और संवर्धन की गतिविधियों को समझ पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रकृति संसाधनों के साथ हुए खिलवाड़ से ही पेयजल संकट पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम सबका नैतिक दायित्व है कि जल संरक्षण की गतिविधियों में स्वयं को जोड़े। बिजौली रोड स्थित प्राइवेट कॉलेज में आरक्षक पद के लिए आयोजित परीक्षा में 2 परीक्षार्थियों के अंगूठे का निशान नहीं मिलने पर हुई पकड़े गए परीक्षार्थियों की निशानदेही पर पुलिस ने गिरोह से जुड़े 4 अन्य लोगों को दबोचा है, जो कि फर्जी परीक्षार्थियों को परीक्षा में बैठा कर पेपर पास कराने की गारंटी देते थे। आरक्षक भर्ती परीक्षा देने के लिए आए अमन सिकरवार व हरिओम तोमर निवासी अंबा जिला मुरैना के अंगूठे के निशान मैच नहीं हुए थे। इनके पकड़ में आने के बाद इनका एक साथी धर्मेंद्र मौके से भाग निकला था, जिसके बाद पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से बारीकी से पूछताछ की तो पता चला कि मुरार में रहने वाला कालीचरण और फिरोजाबाद का रोहित गोयल इस पूरी गैंग का सरगना है, जो कि क्लोनिंग के जरिए अंगूठे का निशान तैयार कर फर्जी परीक्षार्थियों को परीक्षा में शामिल कराते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से फर्जीवाड़े में प्रयोग किए गए दस्तावेज और अन्य जरूरी सामान भी बरामद कर लिए हैं। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में आरक्षक की भर्ती में जो 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी, इसके बाद विवेचना में पूरा गिरोह जो सामने आया उसमें हम लोगों ने अभी कुल मिला के 6 गिरफ्तारियाँ की हैं। इसमें एक कालीचरण शर्मा मुरार का है, एक रोहित गोयल फिरोजाबाद का है और जो कैंडिडेट हैं वो हैं। इनकी मोडस ऑपरेंडी ये थी कि ये फिरोजाबाद में जो गोयल है उससे फिंगरप्रिंट एक पतली पॉलीथीन में बनवाते थे और उसको फिर अपने अंगूठे में जो सॉल्वर जिसको ले जाते थे उसमें इम्प्लांट करके और परीक्षा केंद्र में प्रवेश कराने का प्रयास करते थे। और जो कालीचरण शर्मा है वो ऐसे लड़कों को जो सहजता से इनकी बातों में आ जाते थे उनको इकट्ठा करते थे ताकि उनके जो कैंडिडेट हैं उनकी जगह दूसरे व्यक्ति को भेजा जा सके। तो इसमें हमने को जो सॉल्वर हैं वो साथ में जो पूरा इसको अरेंज करते थे वो और जो फिंगरप्रिंट बनाने में इनका सहयोग देते थे उन सभी को गिरफ्तार किया गया है।
तो ये अपने आप में अलग तरह का मामला है, तो इस तरह से पकड़ा गया कभी पहले? नहीं, पहले भी 2016 और जो उसमें पहले ये पकड़े गए हैं, लेकिन चूँकि हर बार एक जो कैंडिडेट रहते हैं उनको ये भरोसा दिलाने में सफल रहते हैं कि आप हम दूसरे व्यक्ति को आपकी जगह परीक्षा दिला देंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इस लोभ में आकर के फिर से इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। इनका बैकग्राउंड क्या है? जो मैं अमन सिकरवार है वो BSc किए हुए हैं और वर्तमान में परीक्षा की तैयारी कर रहा है अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की। जो इसकी जगह बैठा था हरिओम, वो MR का काम करता है, और जो KC शर्मा है, कालीचरण शर्मा है, वो दलाली का काम ही करता है, अलग से कोई विशेष काम नहीं। कितने लोगों के साथ अभी तक कर चुके हैं ये? इनसे अभी पूछताछ की जा रही है, वर्तमान में अभी 6-7 लोगों का पता चला है और आगे विवेचना में जो आगे जानकारी और मिल सकती है। लोकसभा चुनावों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले भारतीय जनता पार्टी द्वारा रविवार को दोपहर मोदी हाउस स्थित भाजपा कार्यालय में चुनावी तैयारियों को लेकर जरूरी बैठक की। मध्य प्रदेश प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वतंत्र देव और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के आतिथ्य में हुई इस बैठक में पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे और चुनावी तैयारियों पर मंथन किया। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे प्रभारी श्री स्वतंत्र देव सिंह जी का पूरे राज्य में प्रवास चल रहा है। अब आज से प्रदेश में स्थानीय नेताओं का प्रवास नीमच से प्रारंभ हुआ है। यह प्रवास कार्यक्रम पूरे राज्य में होगा, ग्वालियर संभाग में भी इसकी तारीखें तय हैं। यह प्रवास ठीक हो इसकी तैयारी की दृष्टि से, आगे चुनाव की संरचना की दृष्टि से संभावना है कि आजकल में कभी भी आचार संहिता लग जाएगी, तो उस दृष्टि से जो प्रमुख विषय हैं, आंतरिक विषय हैं, उन पर आज की बैठक में चर्चा होगी। और अब हमें दीजिए इजाजत और आप बने रहिए इंडिया खबर लाइव के साथ।